अब बोला जा रहा है कि किसान 15 दिन रुकेंगे और 15 दिन बाद चले जाएंगे, हम नहीं जाने वाले। दीदी को हराना लोहे के चने चबाना है, बीजेपी और भी फंडा लाए। आज पेट्रोल का क्या रेट है? 100 रुपये। वही बाबा रामदेव है जो 35 रुपये पेट्रोल सरकार जो है जनता को दिलवाना चाहते थे। साइकिल चला लें क्यों? आप क्यों, आप सलवार पहन के क्यों भागे थे? क्या नाम है सर? मैम मेरा नाम सुचित चौधरी है और मैं गांव भोजपुर डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ, वैसे यूपी से। सर आप लोग लगातार यहाँ पर है, लेकिन अभी जिस तरीके से बाबा रामदेव कह रहे थे कि अगर किसान जैसे पीछे नहीं हट रहे, सरकार भी नहीं मान रहे तो लट बजाएंगे। हाँ जी, उसमें क्या कहेंगे? लट बजाना पड़ेगा तो लट तो बाबा रामदेव पे बजा था जब सलवार पहन के भागे थे। क्या वो अपने अनुभव से बता रहे कि आंदोलन किस तरीके से खत्म होते हैं? नहीं, वो उनका अनुभव है ना, क्योंकि उनको उस चीज़ का अनुभव है, क्योंकि उनके पास जो वो अपनी आप बीती बता रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ था उनको सलवार पहन के औरत का सलवार पहन के भागना पड़ा था, तो वो अपनी आप बीती बता रहे हैं कि हो सकता है सरकार ये षड्यंत्र रचे और किसान को इस तरीके से ये अब लास्ट फंड है ये किया जाए। क्योंकि हमारे देश के अंदर क्या है, हमारे देश के अंदर आप तो मेरे से और जो मेरे सबसे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे सब खड़े हैं, हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि धर्म की राजनीति है। जैसे मैं अपना खुद उदाहरण देता हूँ, मैं बाहर से पढ़ा हुआ, मैंने MBA UK से की हुई है, लेकिन मेरे वेशभूषा से ऐसे नहीं लगेगा कि मैंने MBA की हुई है और बाहर से की हुई है। हमारे देश के अंदर जातिवाद है, बाहर देश के जो आप चाहे UK ले लो, चाहे यूरोप ले लो, चाहे US ले लो, चाहे कनाडा ले लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया ले लो, आप कोई भी कंट्री ले लीजिए, वहाँ पे जो बंदा वैलिड है और जो बंदा जेन्युइन है और जो उसकी क्रेडिबिलिटी है उसके आधार पे ही उसको प्रमोशन मिलता है, उसके आधार पे उसको जॉब मिलती है, सब कुछ मिलता है। लेकिन हमारे देश के अंदर एक फंडा है, फूट गिरो राज करो, वो मैं सिर्फ ये नहीं बोलता हूँ, वो हर सरकार ने किया है। जैसे मैम ने बोला है कि शहीद भगत सिंह के लिए, शहीद भगत सिंह जी को ये दर्जा देना कहाँ चाहते हैं? अगर इनको शहीद भगत सिंह जी की इतनी अच्छी वो है या इतना अच्छा उनके बारे में इनके विचार हैं तो RSS वाले खुद क्यों उनके बारे में विरोध करते हैं? अब तो ये कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि सत्ता में ही हैं, सत्ता इनके काबिज है। और दूसरी बात, जैसे आप एक नॉर्मल हमारा यहाँ पे बाइट ले रहे हैं, सब लोगों के विचार ले रहे हैं, हमारे देश की जो 90% मीडिया है आप ले लीजिए, 90% मीडिया हमारे देश की हैक है। मैं तो अपने खुले मन से बोलना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर अगर आज की डेट के अंदर कोई पत्रकार किसान आंदोलन की अगर आवाज़ उठा रहा है तो मेरा सैल्यूट संदीप चौधरी जी को है, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे, और आप लोग क्योंकि आप YouTube सब्सक्राइबर हैं और आप यहाँ पे लोगों के बीच में आ रहे हैं। अब जब लोगों के बीच में आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप विचार सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारी क्या पीड़ा है। अब बोला जा रहा है कि किसान 15 दिन रुकेंगे और 15 दिन बाद चले जाएंगे, हम नहीं जाने वाले, क्योंकि हमें तो पता है, हम तो ऑलरेडी मर चुके हैं, हम क्या होगा। जैसे टिकैत साहब ने अभी पीछे बयान दिया था कि हम अपनी फसल जो है नष्ट कर देंगे, अब सरकार बोलती है कि नष्ट क्यों कर रहे हैं? अरे भाई हमारी चीज़ है, हमने पैदा किया है, जब अगर हम अपनी ज़मीन अपनी औलाद को जीते जी नहीं दे सकते तो हम किसी पूंजीपति को क्यों देंगे। मैं परसों ही महापंचायती लाखलोन के अंदर, वहाँ पे टिकैत साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, उन्होंने कहा है कि आप कोई भी औलाद या जैसे ये हमारे बाबा जी हैं बुजुर्ग, इन्होंने अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी नाम की है तो नहीं, क्यों? और आप ज़मीन दे दोगे? नहीं देंगे, क्योंकि उसी से हमारा खर्चा चलता है। बातें तो हम सुन रहे हैं लगातार, हर किसान यही बातें कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर आप लोग इस तरीके से डटे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी बाबा रामदेव इस तरीके से बयान दे रहे हैं, उसके बाद आप किस नजर से देख रहे हो उस बात को कि वो कह रहे हैं कि लट बजेगा? लट बजे क्या सरकार की तरफ से वो बोल रहे हैं? वो तो सरकार के प्रवक्ता है, वो तो सरकार के प्रवक्ता है। आप मेरी एक बात छोटी सी बात नोट कर लीजिए, आज पेट्रोल का क्या रेट है? 100 रुपये। वही बाबा रामदेव है जो 35 रुपये पेट्रोल सरकार जो है जनता को दिलवाना चाहते थे। साइकिल चला लें क्यों? आप क्यों, आप सलवार पहन के क्यों भागे थे? आप भी उसी जो आपकी जो वर्दी है, जो आपकी पोशाक है, आप भी उसी पोशाक में झाजो बैठ के जाते ना, आप सलवार पहन के क्यों भागे थे? अगर आप जनता को बोल सकते हो साइकिल चलाओ, अरे हमारी मर्जी है ना, लोकतंत्र है, हम जब चाहेंगे साइकिल चलाएंगे, जब चाहे गाड़ी चलाएंगे, जब चाहे हम अब चूल्हे पर रोटी पोएंगे और जब चाहे हम गैस पर रोटी पोएंगे, हमें कोई बताने की जरूरत नहीं। अभी इतना वो हो चुका है, देखिए बार बार जिस तरीके से गैस का कीमत बढ़ते जा रहे हैं, जनता के ऊपर मार नहीं पड़ रही? जनता के ऊपर मार पड़ रही है। अभी जैसे मैम ने भी बोला है
हमारे क्या 25 रुपये 30 रुपये डेली 225 रुपये के आसपास जो है रेट बढ़ चुका है पिछले 1.5 से 2 महीने के अंदर। इससे क्या होगा, इससे जो एक गरीब तबका है जो किसान है मजदूर है उसके ऊपर क्या होगा, वो प्रभावित नहीं होगा, वो बेशक वो बिल्कुल प्रभावित होगा क्योंकि उसका डेली, आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए एक डेली जो व्यापारी है, व्यापारी तो बहुत बड़ी चीज है, एक नॉर्मल मजदूर है उसकी 500 रुपये की वेजेस है, 500 रुपये डेली कमाता है, 250 रुपये शाम को वो अपने घर के लिए राशन आटा ले जाता है, उसके पास बचे हैं 200 रुपये 250 रुपये उसके पास बचे हैं, वो 250 रुपये में उसे अपना गुजारा भी करना है, अपना किराया भी देना है, बीमारी भी है, सब कुछ है। तो बाबा रामदेव के बोलने से क्या होता है, बाबा रामदेव अगर इतने अच्छे थे तो मेरा तो बाबा रामदेव जी से सिर्फ एक सवाल है, बाबा जी आप हमें 3500 रुपये लीटर पेट्रोल, 350 रुपये सिलेंडर, हमारे 15 लाख रुपये, हमें 2 करोड़ नौकरी, और जो आपका ये बिजनेस है जो इतना बड़ा एम्पायर आपने खड़ा कर लिया है, एक काम करो आप ये सब कुछ जब पूरे राष्ट्र को समर्पित करना चाहते हो ये सबको अलॉट कर दो। बाबा रामदेव इस तरीके से किसानों के लिए बोल रहे हैं, अगर किसान पीछे नहीं हटेंगे, सरकार भी नहीं मान रहे तो किसानों के ऊपर लट बजेगा। देखिए ऐसा है कि वो सरकार से बुराई इसलिए नहीं करना चाहते कि चूंकि उनका व्यवसाय बंद हो जाएगा, वो बाबा रामदेव नहीं है, उनका प्रोडक्ट किस तरह इंडिया में लॉन्च हो सारा व्यवसाय उनका सरकार से ही चलना है, इसलिए वो अपनी बड़ाई करते हैं, सरकार की बड़ाई करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जारी रहने से सरकार की बुराई वो नहीं करेंगे, इसलिए वो किसानों के हित में नहीं बोलना चाहते। अच्छा जी, आप कहाँ से हैं सर? मैं फतेहपुर जनपद उत्तर प्रदेश से बिंद की तहसील से आया हूँ। मैं गाजियाबाद से हूँ, नाम मेरा ओमवीर सिंह है, गाँव मेरा जलालाबाद है। सर ये यूपी लगते हैं, जी जी, बंगाल में गए हैं, जी 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 जी, तो वहाँ पर विकास की बात कह रहे हैं, परिवर्तन की भी बात कह रहे हैं सर, जी जी जी, क्या यूपी में विकास हो रहा है? नहीं, यूपी में विकास होता तो यहाँ लोग ही नहीं बैठते जी, लोग विकास होता तो यहाँ क्यों बैठते, अब अपने सब अपना ऐसा आराम के होते, यहाँ धूप में ताप में और प्रदूषण में जो रह रहे हैं, ये हमारे पानी काट दे, बिजली काट दे, काट दो, हमें तो आदत है कष्ट सहन करने की, जब योगी जी कष्ट सहन करेंगे तब इन्हें पहाड़ पे पता चलता है और चल रहा है इसके परिवार को। हैं? ऐसे तो बताया जा रहा है कि धुआंधार एंट्री है, योगी जी आ चुके हैं और परिवर्तन करने जा रहे हैं, परिवर्तन रैली का आयोजन हो रहा है। हाँ नहीं, परिवर्तन आज हाथरस में जिस तरीके से आपने देख रहा होगा, एक लड़की ने जिस तरीके से अपने पापा को गोली मारने के बाद उस लड़की ने किस तरीके से रो रहे थे, उनके सामने पापा को गोली मार दिया और इंसाफ की मांग कर रहे हैं, क्या महिला सुरक्षित है? महिला सुरक्षित होती तो वह बेचारी क्यों तड़पती इतनी? नहीं, बंगाल परिवर्तन रैली कह दिया तो हो थोड़ी गया, दीदी को हराना लोहे के चने चबाना है, बीजेपी और भी फंडा लाए ये तो है ही है, योगी जी भी पहुँचे, जोगी जी भी पहुँचे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी पहुँचे, दीदी को हराना इतनी टेढ़ी खीर नहीं है, लोहे के चने चबाएंगे तब भी धरती पर ही गुनगाएंगे, दीदी को नहीं हरा पाएंगे, नहीं आ पाएगी, ये तो है, सीट तो निकल सकती हैं लेकिन बहुमत में नहीं आ सकती। और रही हमारे उत्तर प्रदेश की बात और किसानों की बात, किसान इतना खुशहाल होता, दिल्ली में बिजली जो है फ्री है गरीब आदमी के लिए, उत्तर प्रदेश में कितने गरीब लोग हैं, कितनी बिजली देते हैं। केजरीवाल जी अभी गए तो थे मेरठ में 28 तारीख को, तो उन्होंने बताया है कि अभी अगर वहाँ पर अच्छा सरकार बने, यानी कि सारा 2022 की तरफ ही है, जी जी जी, सरकार बनेंगे तो वहाँ पर गन्ने का जो कीमत है वो घर पहुँचने से पहले उनके अकाउंट में आ जाएगी। इन्होंने भी कहा था कि 14 दिन में पेमेंट करेंगे, ये 14 साल में भी पेमेंट देने को तैयार नहीं है। नहीं, केजरीवाल के ऊपर पूरा विश्वास है, समझे, केजरीवाल जी के पास पूरा विश्वास है, यदि वो ये कहेगा कि घर आने से पहले पेमेंट पहुंचेगा तो पहुंच जाएगा, वो आदमी झूठ नहीं बोलता है और ये सच नहीं बोलते हैं, समझ रहे हो? नहीं, वो झूठ नहीं बोलता है और ये सच नहीं बोलते हैं, सच बोलना जनता सिखा रही है इनको, सच बोलना जनता सिखा रही है। अब यहाँ देखिए, इन्होंने पानी बिजली हमारा ठप कर दिया था, हम अपना बोरिंग कर लेंगे, हमने अपना कोल्लू गाड़ लिया, यहीं अपना पो रहे खा रहे, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, ये आपत्ति हमारे लिए पैदा करेंगे, हम इनके लिए ऐसी आपत्ति पैदा कर देंगे कि हमारी लाइन नहीं काट पाएंगे ये। एक बार की आप मेरे गाथा याद आ गई, बहुत पुरानी, मतलब 20-30-40 साल पुरानी, जब चौधरी बंसी लाल जी थे,
बंसीलाल जी इंदिरा गांधी जी का राज्य था, उन्होंने कहा कि आप बागपत क्षेत्र में जाइए और घूमिए, वहाँ बूथ कैप्चर कैसे करते हैं। आज तक हम उनका जो है वहाँ रोक नहीं पाए। चौधरी चरण सिंह वहाँ जीत जाते हैं, हम खूब कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ जो है हम जीत नहीं पाते। आप इसका सर्वेक्षण करके आइए। तो चले जी दिल्ली से, दिल्ली से चले। जब वे खेकड़ा पहुँच गए तो जो ऐसे ऐसे बुढ़े थे उन्हें पता चल गया, अरे वो देवी आ रहा। नुक हाँ आ तो रहा जी। नुक अच्छा, अरे उसने भेजा होगा वो। मैं वे सब तो नहीं दोहराना चाहता जो उन लोगों ने कहे थे कि उसने भेजा होगा। नुक हाँ उसी ने भेजा। फिर वो फिर खेकड़ा आ लिया, फिर बागपत आ लिया। जब वो मलक बड़ोत से मलकपुर वाले छपरौली वाले रोड पर निकला तो सारा मलकपुर ऐसे ही खड़ा था जैसे ये जनता खड़ी है। अब उन बुढ़े ठहरे जो आदमी थे उनने कि यार जो बालक नन्हे तो जाने हुए तो बेचारा उसका शकल भी ना जाने। जो कहने लगे यार तू झूठ ना बोलिए, जब देवी यहाँ को आवे तो हमें तू बता दिए। अब जब एम्बेसडर कार होती थी, एम्बेसडर कार में वो आया बेचारा और उनने कह दिया देख यू आ रहा देवी। नुक अच्छा, नुक भाई उतर जा। उतर गया। नुक बत हुआ हरियाणा का जाट और हम हैं मलकपुर के जाट, इतना मर्द का बच्चा यू लाइन खींच दी है और तू इसे पार कर जा। उसने लंका ने भेजा होगा तो उस बुढ़े पर रुका न गया। उनने यूं कहा इंदिरा गांधी जी को कि उस लंका ने भेजा होगा, तू हरियाणा का है और हम मलकपुर के हैं, मर्द का चौदह तो इस लाइन को पार कर जा। उसकी इतनी हिम्मत ना पड़ी थी कि जो उस डंडी हुई खींची हुई रेखा को पार कर जा। एक मिनट रुक ले लाल लिए, एक मिनट रुक जा। ऐसे ही हम इस बात को मैंने इसलिए दोहराया कि यू जो किसानों की और मोदी की जो लाइन खींच रही है भाई, इस लाइन को तुम उसे मत समझना कि वो मलकपुर की लाइन जो खींच रही है। हाँ ये जो लाइन खींच रही है वो भी उस जननी से पैदा है और यू किसान भी उस जननी से ही पैदा है। जी किसान आंदोलन का इतना पड़ेगा तुम देख लेना, दो महीने की बात है। अब यूँ मैं कह रहा हूँ बहुमत के साथ जीत रहे, मैं कह रहा हूँ कि ना दो सीट नहीं मिलने की है तो इस चीज़ का कोई नहीं। दो महीने बाद 2 मई को आपको पता चल जाएगा कि इन किसानों ने यहाँ की आग जो है और चिंगारी जब वहाँ पड़ी है तो उस चिंगारी का क्या असर हुआ और उसने क्या कर दिखाया। ठीक है नहीं?